हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। मैं हूं रमेश और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 6। डेट है 16/7/2021। बच्चे अपना नाम यहां लिखेंगे और क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर का नाम यहां पर लिखेंगे। आज का टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन किसे कहते हैं, किस तरीके से यह होता है और किस तरीके से हम इसे बचा सकते हैं, यह हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बच्चों आपको यह पता होगा कि वाटर इज अ एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स। वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राकृतिक संसाधन है हमारे जीवन के लिए। हमारी बॉडी का 70% पार्ट जो है वह पानी है और अगर हम धरती पूरी धरती की बात करें तो सिर्फ 1% ही है ऐसा जो फ्रेश वाटर है। सिर्फ 1% फ्रेश वाटर है यानी पीने योग्य पानी है। 97% पानी जो है वह सॉल्टी यानी खारा है और 2% जो है वो आइस की फॉर्म में हमारे हिमालयों के ऊपर जमा हुआ है। इन सब में से अगर हम देखें तो सिर्फ 1% ही पानी ऐसा है जो पीने योग्य हमारे पास है। वाटर पॉल्यूशन किसे कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन होता है जो वाटर बॉडी होती है यानी जहां पर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है जैसे रिवर्स, लेक्स, ओशियन और पोंड। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण यहाँ पर इस पानी को गंदा किया जाता है तो उसे हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। रिवर, लेक्स, ओशियन और पोंड वाटर बॉडी अगर ह्यूमन एक्टिविटी से गंदी होती हैं तो उसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। इसका मेन कारण होता है स्पिलिंग ऑफ ऑयल। बहुत सारे मोबिल ऑयल्स जो होते हैं व्हीकल्स के, वह पानी के अंदर बहा दिए जाते हैं। पानी के अंदर मतलब नाले के अंदर बहा दिए जाते हैं। इस नाले से बड़े नाले में जाता है और बड़े नाले से फिर नदी में या फिर समुद्र में जाता है जहां पर यह पॉल्यूशन कॉज करता है। इंडस्ट्रियल या सीवेज वेस्ट। अब इंडस्ट्री में कल कारखानों में किसी चीज की सफाई हो रही है, अब उसका जो वेस्ट है वह भी इसी पानी में जाता है और फिर पानी को पॉल्यूट करता है, प्रदूषित करता है। सीवेज वेस्ट, हमारे किचन का वेस्ट को हम कहते हैं सीवेज वेस्ट। डिस्पोजल, पानी के अंदर हम कोई भी कप या बाल्टी या कुछ भी चीज डाल देते हैं तो उसे हम डिस्पोजल कहते हैं। एनिमल वेस्ट, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर। एनिमल वेस्ट डंग को कहेंगे, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर खेतों में किसान यूज करते हैं फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए, जो कि वाटर बॉडीज में बहता हुआ चला जाता है। यह भी एक मेन कॉज है वाटर पॉल्यूशन का। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन की, तो ये है होम वेस्ट, हमारे घर का वेस्ट। देखिए यहाँ पर नदी के किनारे बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक बॉटल्स, बैग, लेदर यहाँ पर फेंका हुआ है, यह होम वेस्ट है यानी घर से बाहर निकाला हुआ वेस्ट है। फेस्टिवल सीजन में हम बहुत खुशी होते हैं और गणपति बप्पा मोरिया करके जो लिवर या ऑयल चीज से यह मूर्ति बनी हुई है, इस मूर्ति को पानी के अंदर विसर्जित करते हैं। हमारी श्रद्धा है लेकिन इस मूर्ति पे जो केमिकल का इस्तेमाल किया गया है यह पानी के अंदर मिलता है और पानी को प्रदूषित करता है। वाटर पॉल्यूशन होने से बहुत सारे कंसिक्वेंसेस यानी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे इकोसिस्टम पे आती है, यानी हमारे इकोसिस्टम पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि इसका इम्पैक्ट फिर हमारे ऊपर ही पड़ेगा, जैसे फूड चैन और मरीन लाइफ यानी पानी के अंदर रहने वाले जो जीव हैं उनकी लाइफ को यह प्रॉब्लम कॉज करता है। अगर मछली इस पानी में इंडस्ट्री वेस्ट या फिर फार्मिंग वेस्ट वाला जो पानी है इसमें मछली रहती है और इस मछली को फिर हम खाते हैं तो यह मछली हमारे द्वारा खाई जाती है यानी फूड चैन के माध्यम से हमारे अंदर आ जाती है और यह हमारे में प्रॉब्लम करती है, बीमारी कर सकती है। हम वाटर पॉल्यूशन को कैसे बचा सकते हैं, तो पहला चीज है ट्रीटिंग सीवेज वाटर। सीवेज वाटर को हम ट्रीट करेंगे फिर जाके नदी में डालेंगे। दूसरा है रीयूजिंग, रिड्यूसिंग और रीसाइक्लिंग ऑफ वाटर। रीयूज करेंगे, रिड्यूस करेंगे या फिर रीसाइकल करेंगे पानी को ताकि वाटर पॉल्यूशन ना हो सके। प्लांट्स जैसे वाटर हयासिंथ। वाटर हयासिंथ एक ऐसा पौधा है और एक कमाल का पौधा है जो टॉक्सिक केमिकल को पानी के अंदर से सोख लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो अगर किसी पॉल्यूटेड पानी में वाटर हयासिंथ को बोया जाएगा तो फिर यह प्रदूषण वाले पानी को अपने अंदर खींच लेगा, जिस कारण से वह पानी साफ सुथरा हो जाएगा। चलिए अब सवाल करते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड लिस्ट 3 मेजर थिंग्स दैट कॉज वाटर पॉल्यूशन। इस पिक्चर को आपको देखना है और इस पिक्चर को देखने के बाद आपको बताना है
कि यहाँ पर वाटर पोल्यूशन किन तीन कारणों से हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉलिड वेस्ट। देखिए, यह सॉलिड वेस्ट है जो पानी के अंदर जा रहा है जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। केमिकल वेस्ट, केमिकल इंडस्ट्री से निकला हुआ केमिकल वेस्ट, यह भी पानी में जाता है और वाटर पोल्यूशन कर रहा है। ठीक वैसे ही सीवेज, यानी हमारे घर के किचन से निकला हुआ जो पानी जाता है, यह भी अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो पॉल्यूशन करता है। दूसरा प्रश्न है, आपको स्लोगन लिखना है। आपको एक ही स्लोगन लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ पर तीन स्लोगन लिखे हैं। इनमें से जो आपको बेस्ट लगे उसे आप लिख सकते हैं। कंजर्व वाटर और कंजर्व लाइफ। कंजर्व, अगर हम पानी की बचत करेंगे तो हम लाइफ की बचत करेंगे। सेव वाटर, इट विल सेव यू। अगर हम पानी को सेव करेंगे तो हमारी लाइफ को भी पानी सेव करेगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ ब्लू। बहुत ज्यादा ब्लू चाहिए बहुत ज्यादा ग्रीन रहने के लिए। इसका अर्थ है जितना अधिक पानी होगा उतना ही अधिक हमारे आसपास ग्रीनरी देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, मेक अ पोस्टर ऑन वाटर पॉल्यूशन। सो वाटर पॉल्यूशन पे एक पोस्टर बनाना है, तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दिया है जिसे आप बना सकते हैं या फिर कुछ और भी देखकर बना सकते हैं। जैसे से नो टू वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को आप ना कहे, यहाँ पर एक फिश यानी वेल आपको बता रही है, क्योंकि इस वेल का जो रहने का जगह है पानी है उसमें बहुत सारा वेस्ट आ चुका है और इसको दिक्कत महसूस हो रही है। अगला प्रश्न है, सजेस्ट थ्री मेजर्स टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। हमें तीन चीजें बतानी है जिससे वाटर पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे, ट्रीटिंग सीवेज बिफोर डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडी। हम सीवेज को ट्रीट करेंगे वाटर बॉडी में डालने से पहले। दूसरा लिखेंगे, रीयूजिंग, रिड्यूसिंग एंड रीसाइक्लिंग ऑफ वाटर विल गो लॉन्ग टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट सच एज वाटर हयासिंथ कैन एब्जॉर्ब टॉक्सिक केमिकल एंड हेंस रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। तो यह तीन पॉइंट बहुत अच्छे रहेंगे कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि यह वर्कशीट आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वाकई में यह वर्कशीट अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। यहाँ बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आपको देखने को मिली है। थैंक यू।